हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी कोई बजट में अच्छे एयरफोन लेने का सोचें तो आज मैं आपके लिए एक अच्छे एयरफोन का रिव्यू लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें। मुझे इसे यूज़ करते करते कुछ टाइम हो गया है, तो आज इसकी अपन अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे एयरफोन कैसा है। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाई हैं, तो आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं ओपन टेक टीवी। चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये एयरफोन रियलमी की तरफ से आते हैं। उनका नाम है रियलमी बर्ड्स क्लासिक। इस प्राइस रेंज में मेरे को ये काफ़ी अच्छे एयरफोन लगे हैं। और अगर बॉक्स की बात करें तो इसमें आपको पीछे की तरफ सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे 14.2 mm का ड्राइवर मिल जाता है। बेस बूट एयरफोन है दोस्तों, ये मल्टी बटन फंक्शन है। चलिए फटाफट इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं कैसे हैं एयरफोन। दोस्तों, मैंने ये एयरफोन ब्लैक कलर के बुलाए हैं, बट आपको इसमें वाइट कलर का ऑप्शन भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो। तो फर्स्ट लुक में तो काफी अच्छे एयरफोन लग रहे हैं दोस्तों। इसमें ग्लॉसी फिनिश दिख रही है और यहाँ पे आपको पास से दिखाऊं मैं तो काफी अच्छी डिजाइन के लग रहे हैं ये एयरफोन। इसका टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और वायर में दोस्तों कुछ टेक्सचर है, और वायर का साइज़ देखा जाए तो काफ़ी बड़ा वायर लग रहा है दोस्तों ये एयरफोन का। और यहाँ पे ऑक्स कनेक्टर के पास दोस्तों प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और वायर भी काफ़ी हैवी लग रहा है। ये प्लास्टिक के कारण दोस्तों क्या होता है, काफ़ी एयरफोन में रबर दिया रहता है, तो कुछ टाइम के बाद रबर ख़राब हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। और काफ़ी लाइट वेट एयरफोन लग रहा है इसमें। इसको टेस्ट करते हैं ज़रा, इसका साउंड कैसा है। और यहाँ पे माइक के पास आपको एक सिंगल बटन मिल जाता है, जो कि मल्टी फंक्शन बटन है दोस्तों। यहाँ पे आप इसको दो बार प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सॉन्ग हो जाएगा, तीन बार प्रेस करेंगे तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। एक मल्टी बटन फंक्शन है इसका। अब इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो दोस्तों मेरे को इसको लगा कर कुछ टाइम हो गया है और मेरे को काफ़ी अच्छा साउंड लगा है इसका। काफ़ी लाइट और काफ़ी बैलेंस आउट लगा है इसका मुझे, और बेस भी अच्छा खासा मुझे लगा है। बहुत ज़्यादा हैवी बेस तो नहीं है दोस्तों, बट ये ठीक ठाक अच्छा बेस है इसमें। बट साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत ही अच्छी बैलेंस साउंड क्वालिटी है। और दोस्तों ये मेरे को काफ़ी लाइट एयरफोन लगा है। इन द ईयर वाले एयरफोन को अपन कुछ टाइम तक लगा के रखते हैं तो उसमें आपका ईयर थोड़े टाइम के बाद पेन होने लगता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप काफ़ी टाइम तक एयरफोन को लगा के रख सकते हैं। और इसकी जो डिज़ाइन है दोस्तों मेरे को काफ़ी अच्छी लगी है, काफ़ी अच्छे से ईयर में होल्ड हो जाते हैं ये। इस एयरफोन की जो प्राइस है वो है 379, और दोस्तों आप ऑफर में इसको 300 के आसपास भी ले सकते हैं। ओवरऑल बात करें इस एयरफोन की तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छे एयरफोन है इस प्राइस रेंज में। एक तो आपको अच्छे खासे ब्रांड की तरफ से भी मिल जाते हैं और अच्छी खासी बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है इसमें। वायर की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है दोस्तों इसमें, और साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है इसमें। अगर आप लोग उनमें से हैं जिनको इन द ईयर एयरफोन पसंद नहीं आते हैं, तो आप ये एयरफोन डेफिनेटली ले सकते हैं। अगर आप ये एयरफोन बाय करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। तो यही था वीडियो दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाए हैं, तो आप ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय।